अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहद्दिदी इल्म हिंदसा। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मुहद्दिदी इल्म हिंदसा की सीरीज़ शुरू है। हमने लाइन से वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं। अब ये हमारा पार्ट 6 है, जिसमें आपको सवाल नंबर 13 से सवाल नंबर 17 तक के सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 13। तो बच्चों, सवाल नंबर 13 में दी गई हिदायत के मुताबिक हमने यहाँ शक्ल बनाई है। आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पर, इसमें मुसलस के रासायन दिए गए हैं ए बी सी, जिसके मौद्दिद हमें दी गई है -1, -5, -3 और सी की जो मौद्दिद है वो 3.5 है। तो तीनों पॉइंट के यानी तीनों रासायन के हमें मौद्दिद दिए गए और हमें कहता है कि मुसलस के वस्तानियों की लंबाई हमें मालूम करनी है। तो हमने वस्तानिये बना ली हैं। कैसे बनते हैं वस्तानिये? मुसलस के रासायन के मुकाबले के जो जिले के वस्ती नुक्ते को मिला देने से जो है वस्तानिये बनता है। इस तरह देखो, हमने ए डी बी ई और सी एफ, ये तीन वस्तानिये हमने बनाए हैं। तो इन तीन वस्तानियों की कीमत हमें मालूम करनी है, जिलों की लंबाइयां मालूम करनी है। तो हम किसी भी कतात के या किसी भी जिले की जो इकाई है लंबाई मालूम करने के लिए हमें दोनों मौद्दिद का होना बेहद जरूरी है। अगर आप देख सकते हैं ए के मौद्दिद है तो डी के मौद्दिद नहीं है, क्योंकि ए डी जो है वस्तानिया है बी सी का। इसी तरह से बी ई के भी अगर हमको लंबाई मालूम करनी है तो बी के मौद्दिद है, ई के मौद्दिद नहीं है, है ना। इसी तरह से सी एफ की अगर लंबाई मालूम करनी है तो सी के मौजूद है, एफ के मौजूद नहीं है। तो यहां पर वस्ती नुक्ते का नुकात का जिक्र आया है और वस्तानी का जिक्र आया है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इस सवाल को जो है पहले हम वस्ती नुक्ते का जो जाब्ता है उसकी मदद से हम इनके मौजूद मालूम कर लेंगे, और फिर जो है हम या ढलान के जाब्ते से इन अजला की कीमत मालूम करेंगे या फिर फासले के जाब्ते से, ये आपके ऊपर है, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप शक्ल इस तरह से बना लेंगे तो आप लिखेंगे फर्ज किया के बीसी का वस्ती नुक्ता, जिला बीसी का वस्ती नुक्ता डी है, जिसकी मौद्दिद x1, y1 है, हम ऐसा फर्ज करते हैं। और ए बी का वस्ती नुक्ता, ए सी का वस्ती नुक्ता ऐसा लिखेंगे, जिला ए सी का वस्ती नुक्ता वो नुक्ता ई है, जिसकी मौद्दिद हम यहां पर x2, y2 फर्ज कर लेते हैं। इसी तरह से ए बी का ए बी जिला, जिला ए बी का वस्ती नुक्ता नुक्ता एफ है, जिसकी मौजूद हम क्या फर्ज कर लेते हैं, x3, y3, है ना, x3, y3 फर्ज कर लेते हैं। अब आप हाँ क्या करते हैं, किसी भी नुकात जो वस्ती नुक्ता होता है उसके मौजूद मालूम करने के लिए हमें वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला पता है, तो हम वो लगाएंगे यहां पर वस्ती नुक्ते के जाब्ते से। तो वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या होता है, मान लीजिए अगर पॉइंट डी के हम मौद्दिद मालूम करना चाह रहे हैं तो पॉइंट डी के मौद्दिद मालूम करने के लिए हम पॉइंट बी और सी की जो पहले एक्स की जो मौद्दिद है यानी 5 और 3 दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। आपने आपकी दर्सी किताब के पेज नंबर 112 पर इसे जहन में रखिए, जो ब्लॉक है वो आपने पढ़ा होगा, वहीं पर यह फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट मालूम करते हैं 5 प्लस 3 अपॉन 2 -3 प्लस 5 अपॉन 2। अब आप सोच रहे हैं डायरेक्ट सर ने कीमत क्यों रख दी है, क्योंकि उसके फॉर्मूला मतलब इस तरह से होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह का फॉर्मूला होता है इसका। तो हमने क्या कर दी, कुछ देर के लिए मान लिया x1 y1 x2 y2 है, कुछ देर के लिए मान लिया हमने, है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला रख देंगे और हमारी कीमत आ जाएगी। तो देखो साइड में हल कर लेता हूं मैं, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है इस सवाल का, इसके लिए थोड़ा सा जगह का मैं इस्तेमाल करते हुए चल रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, 5 और 3 8 हो गए, 8/2 इस तरह से लिखेंगे कॉमा, यहां पर देखो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेंगे,
ना प्लस के दो, तो क्या जाएंगे दो का तो दो चौक आठ, यानी क्या बनेगा चार कॉमा दो का तो ए, तो चार कॉमा एक हमारे डी के जो मौजूद है 4.1 जो आ जाएगा हमारा इस तरह से। सेम ऐसे ही हम है ना पॉइंट ई के भी मौजूद मालूम करेंगे, तो ई के मौजूद मालूम करने के लिए वही फॉर्मूला वस्ती रुकते रहता, तो हम क्या करेंगे -1 + 3 अपॉन 2 कॉमा अब वाई वाले मौजूद 1 + 5 अपॉन 2 इस तरह से लिखेंगे और इसकी मौजूद मालूम करेंगे। देखो 3 - 1 यानी ये जो 2 हो जाएगा तो 2 अपॉन 2 कॉमा ये 6 अपॉन 2 दो दो कैंसिल ये 1 हो जाएगा, दो का तो दो छह तो 1.3 ई के मौजूद आ जाएगा। इसी तरह से अब हम एफ के मौजूद मालूम करेंगे, तो एफ किसके बीच में आ रहा है ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसके एक्स के मौजूद क्या होंगे पहले -1 + 5 अपॉन 2 कॉमा अब वाई वाले 1 + -3 अपॉन 2 है ना इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा कॉमा ये -2 हो जाएगा ना 1 + -, यानी +- हो जाएगा तो 1 - 3 मतलब -2 हो जाएगा, तो ये -2 अपॉन 2 इस तरह से देखो कैसे आएगा, 2 का तो 2 = 4 यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमा 2 का तो 2 का तो ये -1 आ जाएगा, तो एफ के मौजूद भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मौजूद आ जाते हैं हम वो यहाँ लिख देते हैं 2 - 1 इस तरह से लिख लिए, ई के मौजूद 1.3 वो यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे ए डी का पहले फासला मालूम करेंगे, तो हमें पहले वस्तानी की जो लंबाई है वो पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसलिए अब फासले के जाते से अब फासले का जाता आपको पता होना चाहिए है ना, फासले के जाते से करिए या फिर आप जो है ढलान के तरीके से भी हल कर सकते हैं आपको आंसर सही मिलेगा। तो ए डी का फासला, AD का फासला क्या होगा इस तरह से रूट में लिखते हैं ना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये X1Y1 या X2Y2 है ना, देखो हमने फर्ज भी किया है X1Y1 और X2Y2 थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या जाएगा X2 - X1 - 1² + Y2 - Y1² इस तरह से फॉर्मूला होता है। कीमत रखेंगे आप X2 क्या है आपका ये -1 है और X1 क्या आपका 4 है, तो -1 - -4² + Y2 क्या है आपका 1 है फिर माइनस फॉर्मूले का और Y1 क्या है आपका 1 है, तो जरा ध्यान से देखिए, देखो ये -5² हो जाएगा ये -1 - -4 - 5 हो जाएगा और ये प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0² तो 0 ही होता है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 1 - 1 = 0 का, तो 0² पहले एक लिख के बताना पड़ेगा इस तरह से, फिर बाद में हम डायरेक्ट यहाँ 5² लिखेंगे, तो 5² यानी 25 हो जाएगा है ना, तो √25 मतलब 5 1 के बाहर आ जाएगा। हम क्या करेंगे जजर से मुरब्बा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से एडी का जो फासला है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो एडी की वस्तानी की जो लंबाई है वो हमारी आ चुकी है। इसी तरह से अब हम बीई की कीमत मालूम करेंगे, बीई का फासला यहाँ लिखेंगे बीई का फासला, तो बी का फासला क्या है इस तरह से रूट में लिखेंगे। अब ई की जो मौजूद X2Y2 है हमारा ये X1Y1 मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए फर्ज कर लीजिए, क्योंकि हमने ई का जो फर्ज करके रखा है X2Y2 तो ये हमारा X1Y1 मिल जाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला को लगाएंगे X2 - X1² + Y2 - Y1² इस तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला सेम ही है। अब X2 हमारा क्या है, X2 है हमारा 1 माइनस X1 क्या है हमारा 5² प्लस Y2 क्या है हमारा 3 Y1 क्या है हमारा -3 इस तरह से लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा ये 1 - 5 यानी -4² प्लस 3 - -+3 3 + 3 हो जाएगा इस तरह से जाएगा, देखो 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16 -4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा, मनफी आदत का जो मुरब्बा होता है वो प्लस में आता है, प्लस ये 3 और 3 6 हो गए, तो 6 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा है ना, तो 36 और 16 कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे 52 है ना, तो ये हो जाएगा 13 × 52 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर आएगा, तो 2 × 13 आपका आंसर यानी बीई का जो फासला है वो मालूम हो जाएगा। तो दूसरे वस्ताने की कीमत भी हमें मालूम हो चुकी है बी। अब सी एफ की बारी है, तो सी क्या है X3Y3 है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स थ्री वाई थ्री के हिसाब से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सी का फासला, इसमें फॉर्मूला सेम, पहले क्या करेंगे एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमने इसको एक्स थ्री वाई थ्री फर्स्ट कर चुके हैं एफ को, है ना, और ये जो है एक्स टू वाई टू इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जो फॉर्मूला हमने लिख लिया है अब कीमत रखेंगे, तो एक्स थ्री क्या है हमारा एफ की मौजूद है ना, तो टू माइनस एक्स टू जो हमारा सी का मौजूद है मतलब तीन है, तो टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री जो है माइनस वन है, फिर फॉर्मूले का माइनस वाई टू जो है वो फाइव है, देखो क्या हो जाएगा ये टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस सिक्स का स्क्वायर, यहां लिखते हैं साइड में माइनस वन का मुरब्बा प्लस वन हो जाएगा ये और माइनस छह का मुरब्बा हो जाएगा छत्तीस, तो छत्तीस और एक के साथ सैंतीस हो जाएगा, तो सीई सीई का जो है फासला हमें मालूम होगी, तो इस तरह से तमाम वस्तानी की कीमत जो है हमें यहां मालूम हो जाती है, तो एडी यहां मालूम हो गया, बीई यहां मालूम हो गया और सीई यहां मालूम हो गया, लेकिन हमें फासले का तक कैसे इस्तेमाल किया हमने, सबसे पहले हमने वस्ती नुक्ते जो थे उनको फर्ज किया, पहले वस्ती नुक्ते के मौदेदीन मालूम किए और फिर हमने ये मालूम किया जिलों का फासला, तो फासले जाते से भी आप हल कर सकते हैं और ढलान के जाते से भी आप मालूम कर सकते हैं, तो ये है सवाल नंबर 13 का सलूशन, इसको मैं कुछ देर आपके सामने रखता हूं ताकि आप वीडियो को रुका कर लिख सको या इसका स्क्रीनशॉट ले सको, तो बच्चों उम्मीद है आपको सवाल नंबर 13 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 14 क्या है कि अगर डी ई एफ डी के मौजूद है माइनस सात कौमा छः, ई के मौजूद है आठ कौमा पाँच और एफ के मौजूद है दो कौमा माइनस दो, ये मुसलस के अजला के वस्ती नुकते हैं, तो वस्ती नुकते हैं देखो हमने शक्ल बना के रखे हैं, हमने एक मुसलस बनाया है कच्ची शक्ल है समझ लीजिए फर्जी है, ए बी सी इसको नाम दिया गया और इसके ए बी का जो ज़िला है डी नुकता वस्ती नुकता जिस तरह से सवाल में बोला गया उसके मुताबिक हमने दिया है और नुकता ई यहाँ दिया है नुकता एफ यहाँ दिया है सबके मौदी लिखे हैं, तो वस्ती नुक्ते हैं तो उस मुसलस के वस्तानियों के हिंदसी मरकज के मौदिद यानी तमाम वस्तानी जैसे कि वस्तानिया ए ई है बी एफ है सी डी है ये एक दूसरे को जिस नुक्ते पे कता करते हैं जो हिंदसी मरकज बना है पॉइंट जी इसके मौदिद हमें मालूम करने हैं, तो हमने सफ़ा नंबर 112 पर पढ़ा है कि हिंदसी मरकज का जो जाबता है वो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ये हमारा फॉर्मूला है, अब हमारे पास ये जो मौदिद है मालूम करने के लिए तीनों रासायन के मौदिद होना बेहद ज़रूरी है, अब रासायन के मौदिद ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे जब हल करेंगे यहाँ पर तो सब लिखेंगे कि फ़र्ज किया कि ए बी ए बी सी मुसलस की जो रासायन है जिसमें ए के जो मौदिद है वो है एक्स वन कॉमा वाई वन है ना और बी के जो मौदिद है वो है एक्स टू कॉमा वाई टू और सी की जो मौदिद है वो एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री है ना, इस तरह से हम फ़र्ज कर लेंगे, अब क्या करेंगे ए और बी ज़िले का जो वस्ती नुक्ता पॉइंट डी है तो हम वस्ती नुक्ते के मदद से ए और बी के मौदिद हम मालूम कर सकते हैं, देखिए किस तरह से यानी जो एक्स के नुकात उसकी मालूम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसलिए वस्ती नुक्ते के जाबते से, तो वस्ती नुक्ते का जाबता क्या है अगर पॉइंट डी के लिए हम इस तरह से लगाते हैं तो पॉइंट डी के वस्ती नुक्ते के लिए जाबता किस तरह से लगाते हैं हम ए के मौदिद और बी के मौदिद के जो एक्स वाले टर्म होते हैं उनको प्लस करते हैं, तो एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू इस तरह से लिखते हैं ना और वाई वन प्लस वाई वाई टू अपॉन टू इस तरह से लिखते हैं और डी के जो मौदिद है वो यहाँ लिख देंगे माइनस सात कौमा छः इस तरह से लिख देंगे और ये वैसे का वैसे लिख देंगे कि ये तो मालूम ही नहीं है ना हमको ऐसे लिख देंगे एज इट इज जैसा का वैसा, अब देखिए ये जो पोजीशन है ये एक्स वाली है और ये भी एक्स वाली पोजीशन है तो हम इक्वेट करेंगे मवाजना करेंगे यानी इसको इसके बराबर लिखेंगे इस तरह से एक्स वन प्लस एक्स टू
अपॉन टू इज इक्वल टू ये माइनस सेवन है ना, एक्स वाला है, एक्स वाली पोजीशन पे है, उसकी कीमत तो एक्स वाले के साथ मवाजना करेंगे। इसी तरह से वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू इज इक्वल टू ये छः से मवाजना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा अब कीजिए, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू कितना, दो सत्ते चौदह, तो ये माइनस चौदह आ जाएगा, इसको मसाद नंबर एक दे दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर भी वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू दो छंग बारह, तो ये मसाद नंबर समझ लो दो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मसाद नंबर दो। अब सेम जैसे हमने पॉइंट डी के लिए फॉर्मूला जैसा लगाते थे, वैसे ही पॉइंट ई के लिए भी लगाएंगे। तो पॉइंट ई के लिए अगर लगाएंगे तो हमें बी और सी के मौजूद मिल जाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, बी और सी को गौर से देखिए, एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू। ई के मौजूद क्या है, आठ कॉमा पाँच, यहाँ लिख दीजिए इस तरह से, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी कीमत ही नहीं मालूम हमें, है ना, वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू। सेम यहाँ पर जिस तरह से मवाजना किए थे हमने, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी मवाजना करना है, यानी इस हिस्से को इस पोजीशन वाले यानी एक्स वाले से मवाजना करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू एट, और ये वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव। देखिए दो और आठ के बीच में ज़रब हो जाएगा क्योंकि तकसीम की ज़रब में जाती है, एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू दो अठे सोलह, ये मसाद नंबर हमारी बन गई तीन। इसी तरह से यहाँ पर भी वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू दो पंजे दस, ये मसाद नंबर चार बन गई हमारी। सेम इसी तरह से पॉइंट एफ के लिए भी हम तैयार करेंगे। पॉइंट एफ जो होता है वो ए और सी के दरमियान में ना, ए और सी के, तो ए और सी के मौदित को देखिए और उसमें हमारा जो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला है वो लगाइए। तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री लगाएंगे हम क्योंकि ए और सी के बीच में बात हो रही ना, इसलिए अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन टू, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। एफ की जो मौदित क्या दिए गए, दो कॉमा माइनस दो, यहाँ लिख दीजिए दो कॉमा माइनस दो लिख दिए। अब ये कीमत तो हमें मालूम करनी है, तो इसी तरह ऐसे ही रखते हैं, एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन टू। सेम ऐसे ही मुवाजना करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ये टू से, क्योंकि ये पोजीशन जो होती है वो एक्स की होती है, तो एक्स वाले एक तरफ मुवाजना करेंगे और वाई वाले एक तरफ, वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस टू। ये जो स्टेप है ना, आपको समझ में आना बेहद ज़रूरी है। मुवाजना कर रहे हैं हम, देखो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स एक्स थ्री इज इक्वल टू दो दूनी चार, ये मसाद नंबर कितनी बनी, पाँच बनी। इसी तरह से यहाँ पर भी वाई वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू दो दूनी माइनस चार, तो ये मसाद नंबर कितनी बनी, छः बनी। अब हम क्या करेंगे, एक्स की कीमतें मालूम करने के लिए जितनी भी एक्स वाली मसाद है, जैसे कि मसाद नंबर एक तीन और पाँच को जमा करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसा, मसाद नंबर एक तीन और पाँच को जमा करने पर, ऐसे लिखेंगे। तो जमा करेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस, ये हो गया अब ये वाला, एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस अब ये वाली मसाद, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू, इसकी कीमतें क्या थी, माइनस चौदह जमा सोलह जमा चार, माइनस चौदह जमा सोलह और जमा चार। ध्यान से देखिए, ये दो एक्स वन हो गए, ये दो एक्स टू हो गए, है ना, और दो एक्स थ्री हो गए, तो इस तरह से लिखेंगे, टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री। बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझ लीजिए। देखो 16 में से 14 गए तो दो बचे, और दो और चार कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे। अब दो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से सब में से, है ना, तो क्या बचेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एज इट इज़ रखेंगे। अब ये जो दो है तकसीम में जाएगा छः के, इस तरह से, तो दो का दो तीन छः, तो तीन आ गया, है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आ गया। अब क्या करेंगे हम, वाई वाले जितने भी है ना, यानी मसाद नंबर दो चार और छः सबको जमा करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरह से, मसावाद दो चार और छः को जमा करने पर, इस तरह से लिखेंगे। तो मसाद नंबर दो क्या है, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू प्लस, मसाद नंबर चार क्या है, वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस, अब क्या है, मसाद नंबर छः, वाई वन प्लस वाई थ्री। अब इसकी जो कीमतें हैं क्या है, बारह दस और माइनस चार,
12 जमा 10 और माइनस 4, इस तरह से लिखेंगे। देखिए गौर से, यहाँ पर भी सेम 2y1 है, 2y2 है, 2y3 है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 जमा 10 में से 4 गया तो 6 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे दो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बचेगा है ना। अब क्या करेंगे, इसको मालूम करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 एज इट इज़ रखते हैं और 18 के बटे में 2 को भेज देते इस तरह से, तो 2 का 2 नवा 18, तो क्या हो जाएगा ये y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9। अब आप गौर से देखिए, किसी भी ज्योमेट्रिक मतलब सेंटर यानी हिंदसी मरकज़ का हमें जब मौदिद मालूम करना होता है तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इस तरह से लगाते हैं। तो इसके आंसर क्या है, यहाँ पर ये देखो 3 दिया तो 3 अपॉन 3 रख देंगे कॉमा, इसका आंसर क्या है 9, तो 9 अपॉन 3 इस तरह से रख देंगे। तो देखो 3 का 3 यानी 1 आ गया, 3 का 3 3 3 9 यानी 3 आ गया। तो देखो जिस तरह से हमें बोला गया था कि जी यानी हिंदसी मरकज की मौदिद मालूम कीजिए, वो हमने मालूम कर लिया। तो कुछ इस तरह से ये जो सवाल का हल है आपके सामने मौजूद है। हमने इस सवाल में हिंदसी वस्त, हमने इस सवाल में वस्ती नुक्ते का जाब्ते का इस्तेमाल करके मसावतें बनाई और उसको मवाजना करते हुए x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की कीमत निकाल कर जो हिंदसी मरकज़ है उसका फार्मूला लगाया और मौदिद मालूम की। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस दौरान समझते समझते आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर इसको वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों सवाल नंबर जो 14 है, यहाँ से जितने भी सवालात हैं थोड़े से बड़े बड़े हैं इसके सोल्यूशन, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 15 जिसमें हमें 4 नुकात दिए गए हैं ABCD, सबके मौदिद भी दिए गए हैं, तो हमें कहता है कि तो दिखाइए कि मुरब्बे के रास हैं, हमें ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पर जो मौदिद दिए गए हमें ABCD के, ये वहाँ पर लिख लेते हैं और उसको फ़र्ज़ भी कर लेते हैं। देखो A की जो मौदिद दिए गए हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर 4, -1, और B की जो मौदिद दिए गए हैं वो है 6, 0, सी की जो मौदिद दिए गए हैं वो दिए गए 7, -2, और डी के जो मौदिद दिए गए हैं वो 5, -3 दिए गए हैं। ध्यान से सवाल लिख लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि जो पहला नुकात है, नुक्ता है ए का, उसको x1, y1 इसके मौदिद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, और इसे x2, y2, और इसे x3, y3, और इसे x4, y4 हम फ़र्ज़ कर लेंगे। और हमें पता लगाना है कि ये जो नुकात है ABCD ये मुरब्बे के रासन है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर ज़िले का जो है वो ढलान मालूम करेंगे या फिर फासले के जाब्ते से हम इसको इसका फासला मालूम करेंगे हर नुकात के बीच में। अगर सेम आता है तो हम समझ जाएंगे कि जो दिए गए नुकात है वो मुरब्बे के रासन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले AB का फासले के जाब्ते से इधर लिखेंगे, फासले के जाब्ते से इस तरह से लिखेंगे। तो AB का पहले फासला मालूम करेंगे, तो ध्यान से देखिए फार्मूला किस तरह से रहेगा। AB के लिए x2 - x1 2 - y1 2, इस तरह से फार्मूला होगा। अब कीमत रखेंगे ध्यान से एकदम, x2 क्या है 6 है और x1 क्या है 4 है, तो 6 - 4 2 प्लस y2 क्या है 0 और y1 क्या है -1, तो 0 माइनस फिर ये -1 और होल स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से होगा, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, तो 2 का मुरब्बा जमा 0 -- +1, तो +1, 0 +1 तो 1 ही होता है ना, तो इसके लिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 और ये 1 का मुरब्बा हो जाएगा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो √5 जो है AB की फासला यानी AB की कीमत आ जाएगी। इसी तरह से BC का फासला मालूम करेंगे, BC का फासला वही फासले के जाब्ते से, लेकिन यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। x3 - x2 लिखेंगे हम, x3 - x2 नॉर्मली
आगे वाले मौद्रित में से पीछे वाले मौद्रित को माइनस करते हैं एक्स और इसमें और प्लस लगाते हैं, फिर वाई के मौद्रित में भी इसी तरह से वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सही लिखने के बाद कीमत ध्यान से रखें, एक्स थ्री जो है सेवन है, सेवन माइनस एक्स टू जो है वो सिक्स है, सेवन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री क्या है माइनस टू और माइनस वाई वन वाई टू क्या है ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो लिखेंगे होल स्क्वायर इस तरह से। अब देखिए सात में से छः गया तो एक बचा, तो एक का मुरब्बा जमा माइनस दो माइनस ज़ीरो माइनस दो ही होएगा इस तरह से इसका स्क्वायर। तो देखो एक का मुरब्बा हो जाएगा एक जमा माइनस दो का मुरब्बा हो जाएगा चार, तो चार और एक कितना हो जाएगा ये जजर पाँच है ना, तो बी सी की कीमत भी कितनी आ गई जजर पाँच आ गई। इसी तरह से ए बी और बी सी हो जाने के बाद अब सी डी, सी डी का फासला मालूम करेंगे। तो सी डी का फासला, तो सी डी का फासला मालूम कीजिए, तो सी डी के फासले के लिए एक्स फोर माइनस एक्स थ्री इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे फॉर्मूला लिखने के बाद कीमत ध्यान से रखेंगे, एक्स फोर कितना है फाइव माइनस सेवन, फाइव माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर क्या है माइनस थ्री, फिर फॉर्मूले का माइनस और वाई थ्री खुद माइनस टू है तो इस तरह से उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। तो कितना आ जाएगा फाइव माइनस सेवन यानी कितना आएगा माइनस दो का मुरब्बा जमा माइनस तीन ये नफी नफी जमा दो इस तरह से लिखेंगे है ना। अब ध्यान दीजिए माइनस दो का जो मुरब्बा हो जाएगा वो चार हो जाएगा जमा ये माइनस तीन जमा दो यानी एक हो जाएगा माइनस एक, तो माइनस एक का मुरब्बा क्या होता है एक ही होता है ना, तो चार जमा एक तो ये कितना जजर पाँच हो जाएगा। तो सी डी की भी कीमत आ गई, तो ए बी बी सी सी डी हो गया। अब ए डी, ए डी का मालूम करेंगे, तो ए डी का फासला सेम, ए डी का फासला फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन किस तरह से होगा ए और डी के बीच में बात होनी, तो एक्स फोर माइनस एक्स वन इस तरह से लिखेंगे, एक्स फोर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला सही से लिखने के बाद इसमें कीमत रखें, तो एक्स फोर क्या है हमारा फाइव है, एक्स वन क्या है फोर है, तो फाइव माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर क्या है हमारा वाई फोर है माइनस थ्री और वाई वन है माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस वाई वन जो है माइनस वन है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे इस तरह से। देखिए पाँच में से चार गया तो एक बचा, तो एक का मुरब्बा जमा माइनस तीन नफी नफी जमा एक का स्क्वायर, तो क्या जाएगा एक का मुरब्बा तो एक ही होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, माइनस तीन जमा एक मतलब माइनस दो, तो माइनस दो का मुरब्बा क्या आ जाएगा चार ही आता है ना, तो वन प्लस फोर हो जाएगा इस तरह से, तो रूट इन में क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा। तो देखो सबका जो ज़िले हैं ए बी बी सी ए सी, ए सी नहीं, ए बी बी सी सी डी और ए डी सबका जो है जो ज़िले हैं वो मसाविया हैं, लेकिन चार ज़िले वाली शक्ल जिसके तमाम ज़िले मसावी होते हैं वो मोयन भी हो सकता है ना, मुरब्बा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इसके वितर की भी कीमत चेक करेंगे, वितर का फासला भी मालूम करेंगे ए सी का भी और बी डी का भी। अगर वितर इसके मुतमासिल हो गए इस चार ज़िले वाली शक्ल के, तब हम कहेंगे कि जो दिया गया ज़रबतुल अज़ला है या जो रासायन है ये मुरब्बे के रासायन है ना, क्योंकि अगर किसी मोयन के वितर अगर मसावी होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुरब्बा होगा है ना। तो हम यहाँ मोयन मान के चलते हैं इसको, और इसके जो वितर है ए सी, आप ए सी का फासला मालूम करते हैं, ए सी का फासला, तो ए सी का फासला मालूम करने के लिए ए और सी के बीच में ध्यान दीजिए एक्स थ्री माइनस एक्स वन इस तरह से लिखेंगे रूट में फॉर्मूला, एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये कीमत रखिए, एक्स थ्री जो है सेवन है, सेवन माइनस एक्स वन जो है फोर है इस तरह से रखेंगे, प्लस वाई थ्री जो है हमारे पास माइनस टू है, फिर फॉर्मूले का माइनस वाई वन जो है वो माइनस वन है इस तरह से है ना। ब्रैकेट ध्यान से डालें आप, तो सात में से चार गया तो तीन, तीन का स्क्वायर जमा ये देखो माइनस दो नफी नफी जमा एक इस तरह से, ये ना माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा तीन का मुरब्बा हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा माइनस दो जमा एक मतलब माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस एक का मुरब्बा तो एक ही होता है ना, तो नौ और एक कितना हो जाएगा रूट टेन हो जाएगा दस हो जाएगा है ना। इसी तरह से ए सी का मालूम होने के बाद अब बी डी का फासला मालूम करेंगे, तो बी डी का फासला
ध्यान से देखिए, बीडी के फासले का फॉर्मूला अब हम यहाँ लगा रहे हैं, नीचे लिखते इस तरह से। तो बीडी के लिए क्या हो जाएगा, बी और डी, तो एक्स फोर माइनस एक्स टू, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स फोर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस वाई टू। देखिए फासले के जाब्ते के अलावा हम ढलान के तरीके से भी हल कर सकते हैं, आप करके देखिए, उम्मीद है आपको आंसर मिले। तो एक्स फोर कितना है, फाइव, एक्स टू कितना है, सिक्स, तो फाइव माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर कितना है, माइनस थ्री, और वाई टू कितना है, ज़ीरो, तो माइनस थ्री माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, पाँच में से छः गया तो एक बचा, तो एक का मुरब्बा, जमा माइनस तीन में से जीरो गया तो माइनस तीन का मुरब्बा, तो एक का मुरब्बा तो एक ही होता है, माइनस तीन का मुरब्बा ना होता है, तो रूट टेन आ गया ना। अब आप गौर से देखिए, ए सी का फासला और बी डी का फासला दोनों का सेम आया है, रूट टेन आया है, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए जो मोयन के वितर जो है मुतमासिल होते हैं, मतलब बसा भी होते हैं लंबाई में, तो पहले हम इसको मोयन मानते हुए हम डायरेक्ट लिख देंगे अब कि भाई इसलिए ए बी सी और डी रासायन मुरब्बे के रासायन हैं। किस बिना पर, किस बिना पर, क्योंकि इसके जो ज़िले हैं वो भी मसावी आए हैं और इसके जो वितर है वो भी मसावी आए हैं। इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी जो रासायन हैं दिए गए वो मुरब्बे के रासायन हैं। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है, हल इसका थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान बहुत है। तो आपको ध्यान से इसको हल करना है, मौद्दिदीन फ़र्ज़ करना है, फासले का ज़ाब्ता आपको सही तरीके से लगाना है, प्लस माइनस पे ध्यान देना है, मुरब्बा बराबर करना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से सवाल नंबर 15 आपके सामने मुकम्मल होता है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 16 आपके सामने है, उसकी शक्ल हमने बना रखी है। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल है कि ए बी सी तीन नुकात है, ये मुसलस के रासायन हैं जिसके मौजूद 7.1 3.5 और 2.0 दिए गए हैं। तो मुसलस के हायत दायरे के मरकज़ के मुहद्दिदीन, तो हायत दायरा इस तरह से हमने बना रखा है, मतलब ऐसा दायरा जो मुसलस के तमाम रासायन को मस करता हुआ या छूता हुआ गुजरता है, है ना। तो इसके मुहद्दिद मालूम करने हैं किसके, हायत दायरे के मरकज़ के। तो हायत दायरे के मरकज़ क्या है, पॉइंट ओ है, इसके मुहद्दिद हमें मालूम करने हैं। और इसका जो निस्व कुतर है यानी ए ओ ओ बी ओ सी, ये तमाम निस्व कुतर है, ये हमें इसकी लंबाई मालूम करनी है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है ये एक्स वन कॉमा वाई वन है, और ये जो है एक्स टू कॉमा वाई टू है, और ये जो है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री है ऐसे। और जो ओ है जिसकी मौजूद हमें ए कॉमा बी, ये हमें जो मालूम करने हैं, ये हमें मालूम करना है, मान लीजिए। तो अब इसे हम एक्स वन एक्स कॉमा वाई फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना, एक्स कोमा वाई फर्ज कर लेते हैं, इसी के मौजूद हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ़र्ज़ की हुई शक्ल है, तो आपको पूरा इस तरह से लिखना है कि फ़र्ज़ किया कि ए बी सी ये मुसलस के रासायन हैं, ओ दायरे का मरकज़ है, और ये हायत दायरा, इस तरह से आपको शक्ल बनाकर पूरी लिखना पड़ेगी क्योंकि सवाल में शक्ल बनी नहीं है, है ना। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और ए ओ ओ बी ओ सी ये दायरे के निस्व कुतर है, इस तरह से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मौजूद मालूम करने के लिए हम बताएंगे कि ए ओ बराबर है ओ बी के, और ये क्या है, एक ही दायरे के निस्व कुतर है ना, एक ही दायरे के निस्व कुतर, इस तरह से आप लिखेंगे, है ना, निस्व कुतर है, ऐसे लिख के बताएंगे। तो ए ओ का जो फासला है हम पहले वो लगाएंगे, तो ए ओ का फासला ज़ाब्ता इस तरह से लिखेंगे, तो ए ओ तो एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, है ना। इसी तरह से ओ बी के लिए भी हल करेंगे, ओ बी के लिए x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, इस तरह से देखो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अब कीमत आपको रखना है, x क्या है, a है, तो a माइनस एक्स वन क्या है, 7 है, तो a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, b है, तो b, वाई वन क्या है, माइनस, है ना, वन, ए तो वन लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स जो है ए है, ए माइनस एक्स टू क्या है, थ्री है, तो थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये बी होगा वाई, तो वाई टू क्या है, फाइव है, तो फाइव बी माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अगर हम मुरब्बा जज़र मुरब्बा करते हैं, यानी मुरब्बा अगर करते हैं ना, तो ये जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको मुरब्बा करने पर, इस तरह से
तो देखो ये रूट के बाहर आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए, ऐसा सवाल हमने इससे पहले पिछली मशक में भी कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उम्मीद आपको वो याद होगा है ना। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी 214 a प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस अब यहाँ पर ए स्क्वायर है ना माइनस टू ए बी यानी 2b प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी 236a प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर है ना और माइनस टू ए बी यानी 2 × 5 = 10b प्लस बी स्क्वायर यानी 25 5 का मुरब्बा। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाती है वो आपको ध्यान देना है। तो देखो ए स्क्वायर कैंसिल होता है ना, बी स्क्वायर कैंसिल होता है, और क्या बचता है वो आपको सब लिखना है। तो देखो माइनस 414a है ना और फिर प्लस 49 प्लस 1, ये 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, और माइनस 2b पहले लिख देता हूँ, माइनस 2b और 49 और एक 50 इस तरह से ऐसे लिख देता हूँ है ना, जो जो बच रहा है वो लिख रहे हैं हम। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस 6a बच रहा है। देखो इक्वल के नीचे अगर इक्वल लिखेंगे ना तो बहुत सेपरेटली अच्छे से लगता है, 6a माइनस और माइनस 10b और ये 9 25 और 9 इस तरह से हमको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 34 है ना, यहाँ लिख दिया अब हमने। अब क्या करेंगे, a और b की कीमत मालूम करनी है हमको, तो ये जो a वाले और b वाले एक तरफ कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो देखो माइनस 14a के जमा में 6a इधर आ जाएगा, फिर ये माइनस 2b यहाँ है, ये b 10b इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 34 के माइनस में 50 यहाँ चला जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ये माइनस 16 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 8a और यहाँ पर भी यहाँ प्लस 8b बचेगा। इसको अगर हम 2 से या 4 से तकसीम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस 2b इज इक्वल टू 4×16 है ना, या डायरेक्ट 8 से ही अगर तकसीम करते तो ये क्या हो जाता, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है ना, 8 × 16 8 से तकसीम अगर करते हैं या माइनस 8 से तकसीम करते हैं तो प्लस में बनेगी मसावत। खैर इसको मसाला नंबर 1 दे दो, ये आपके ऊपर है जिस तरह से भी आप इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। माइनस 8 से अगर तकसीम करते हो देखो ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ 8 से ही तकसीम किया है तो इस तरह से हमको कीमत मिली है, एक मसावत मिली है। अब क्या करेंगे, जैसे ओ ए ओ और ओ बी को हमने इक्वल रखते हुए हल किया, अब हम क्या करेंगे ए ओ और ओ सी को इक्वल रखते हुए हल करेंगे। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, सेम इसी तरह से जो ए ओ ए वाला हिस्सा था ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर ऐसे हल करेंगे हम, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी के लिए, ध्यान दीजिए ओ सी के लिए, एक्स माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। देखिए सोल्यूशन काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सवाल है और मुझे तो नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको सॉल्व करवाना, वरना बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर को नहीं आ रहा शायद इसलिए नहीं करवा रहे हैं, तो खैर हम करवा रहे हैं। चलिए ये पूरा हिस्सा पूरा कॉपी होने वाला है, पूरा सेम रहेगा, यहाँ तक पूरा सेम रहने वाला है। तो ये पूरा हम इधर एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए माइनस सेवन यहाँ से देख के क्योंकि सेम ही है ना वो, प्लस ये बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का देख के लिखना पड़ेगा, एक्स क्या है ए है, एक्स थ्री क्या है, एक्स थ्री हमारे पास 2 है तो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी वाई थ्री क्या है 0 बी माइनस 0 इस तरह से। तो देखो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम जो है वो मुरब्बा कर लेंगे, तो देखो ये जजर से बाहर आ जाएगा, तो a माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर ही लिखते हैं इसको इस तरह से ना, क्योंकि b माइनस जीरो तो मतलब b होता है ना, तो b का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो पूरा सेम ऐसा बनने वाला है, यही बनने वाला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर
माइनस 14 ए है ना, माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 49, प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1। फिर ये इक्वल यहाँ उतारेंगे और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी 4 ए प्लस बी स्क्वायर यानी 4, फिर प्लस बी स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और क्या बचता है माइनस 14 ए माइनस 2 बी और ये हो जाएगा 50 है ना, इज इक्वल टू जैसा इधर बचा था सेम वैसे ही, और यहाँ तक मतलब पूरा सेम गया। फिर बाद में माइनस 4 ए प्लस 4, देखो बी वाला जो टर्म है यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला पूरा लगा ही नहीं ना, क्योंकि दूसरा नंबर जीरो था यहाँ पर, इसके लिए बी स्क्वायर ही रह गया। अब क्या करेंगे, सबको यहाँ लेकर आ जाएंगे, चार के माइनस में 50 को भेज देंगे यहाँ पर, और माइनस 14 ए के प्लस में 4 ए यहाँ आ जाएगा, माइनस 2 बी ऐसे ही रहेगा। तो देखो कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस 10 ए, क्योंकि 14 ए में से 4 ए गया तो 10 ए बचा, फिर माइनस 2 बी इज इक्वल टू ये कितना बचता है माइनस 46 बचता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इस मसावात को माइनस 2 से अगर तकसीम करते हैं, माइनस 2 से तकसीम करते हैं डिवाइड बाय माइनस 2, तो कितना आ जाएगा ये 2 × 5 = 10 है ना, तो प्लस में जाएगा 5 है, प्लस में किस तरह जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होगा अगर तकसीम होगा, तो ध्यान से वो पॉइंट समझिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिर्फ बी हो जाएगा, और ये 2 × 4 ये प्लस में आ जाएगा है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस होगा 2 × 4 = 2 × 6 तो ये 23 आ जाएगा। तो इस तरह से मसावात नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 में से एक को तफरीक कर लेंगे इस तरह से, यहाँ लिखेंगे 2 में से एक को तफरीक करने पर, तो क्या है मसावात नंबर 2, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 23, और ये क्या है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखो माइनस जब करेंगे ना हम इस तरह से तो अलामत सबकी बदल जाएगी है ना, माइनस करें ना तो बदल जाएगी। तो देखो ये प्लस बी ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये 5a और एक है 6a हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर, और ये 23 और 2 जो है 25 हो जाएगा है ना, तो a की जो वैल्यू है 25/6 हो जाएगी, ये a के मौदीद आ गए हमारे, और a कौन है, ये o का x की पोजीशन वाला मौदीद है। अब b का मालूम करेंगे, तो a की जो मौदीद जो कीमत आई है समझ लो, हम इसको मसद नंबर 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए बच्चों, अब हम ये ए की कीमत रखते हैं यहाँ पर 25/6 इस तरह से, ये ए की आगे माइनस है तो ये माइनस लगा है, प्लस बी इज इक्वल टू ये माइनस 2। अब देखिए बी यहाँ रहेगा माइनस 2 के, ये प्लस में आ जाएगा 25/6 यहाँ पर इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ये 6 × 12 यानी माइनस 12 जमा ये 25/6, तो क्या हो जाएगा ये 25 में से 12 गया तो कितना बचा 13 बचा, तो 13/6 आ गया ये बी की कीमत है ना, तो ए की कीमत 25/6, बी की कीमत 13/6। तो इस तरह से ओ के जो मौदीद है वो क्या आ गए, ए कॉमा बी जो थे वो आ गए हैं 25/6, 13/6। तो इस तरह से अभी सिर्फ मौदीद आए हैं, सवाल का एक हिस्सा अभी हल हुआ है कि ओ के मौदीद हमें मालूम हुए हैं, ए कॉमा बी जो हमने फ़र्ज़ किया है वो एक्स कॉमा वाई जो लिया था इसके मौदीद 25/6 और 13/6 हैं। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रुका कर इसको लिख लें ताकि हम बढ़ सके आगे, क्योंकि हमें देखो निस्व कुतुर भी मालूम करने के लिए बोला है, तो या तो ए ओ मालूम करें हम या ओ सी मालूम करें या ओ बी मालूम करें है ना। तो हम क्या करेंगे जो है वो ईजीएस्ट पार्ट जो है ना ओ सी का हिस्सा है, तो ओ सी को लेकर हम हल करते हैं आगे। तो इतना पहले आपको लिख लेना है इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रुका कर ताकि हम बढ़ सके आगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ से मिटाता हूँ इतना हिस्सा, मिटाने के बाद जो है हमें निस्व कुतुर मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे इतना हिस्सा देखो बच्चों, इतना हम मिटा देते हैं और जो ओसी का फासला है वो हम मालूम करते हैं, ओसी का फासला। तो याद रखें ओ के जो मौदीद हमें मिले हैं अब वो मिले हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू 25/6 और 13/6 ये मिले हमें। तो हम क्या करेंगे ओ और सी का फासला मालूम करते, तो एक्स माइनस एक्स थ्री
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए एक्स क्या है हमारा जो है वो 25 बटे 6 है, तो 25 बटे 6 लिखेंगे माइनस एक्स थ्री क्या है हमारा 2 है, यहाँ 2 लिख देते हैं होल स्क्वायर। देखो थोड़ा जजर भी थोड़ा सा बड़ा बनाना है, प्लस इस तरह से वाई जो है यानी 13 बटे 6 है माइनस वाई थ्री क्या है 0 है। तो देखो ये तो 13 बटे 6 आएगा, तो ये 0 में से कुछ किसी में भी नंबर से 0 माइनस करो तो वो नंबर ही रहता है। देखो यहाँ पे तीसरा करो तो 25 नफी 6 दुनी 12 बटे 6 इस तरह से हो इसका होल स्क्वायर प्लस ये 13 बटे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ध्यान से हल करना है हाँ। 25 में से 13 गए तो कितना, मतलब 25 में से 12 गए तो 13 बचते हैं, तो 13 बटे 6 नहीं इस तरह से जमा 13 बटे 6 इस तरह से ऐसा लिखेंगे है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का मुरब्बा 169 बटे 36 जमा ये 169 बटे 36। अब ये क्या होगा, 2 है ना, ये 2 169 बटे 36 आए हैं, तो हम क्या करेंगे 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा और बाहर क्या बनेगा ये 13 बटे 6 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा जो OC है जो कि निस्व गुत्र है ना, इसकी कीमत हमें मालूम हो जाएगी यहाँ पर। तो हमें मुहद्दिद मालूम करने थे और निस्व गुत्र मालूम करना था, तो ये पार्ट जो है नया है, इसे भी आप लिख सकते हैं वीडियो को रुका कर। तो सवाल बड़ा ज़रूर है लेकिन है आसान क्योंकि हमने फासले के ज़रिए मालूम किया है। आप ढलान के जाब्ते से इसको करने की कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको सही आंसर मिल सकता है। तो ये सवाल जो है सवाल नंबर 16 यहाँ मुकम्मल होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 17 एक छोटा सवाल है, इसमें दो नुकात है ए बी जिसकी मौद्दिद आपके सामने इस वक्त दिए गए हैं। हमें कहता है कि ये जो कता ए बी है इसका नस्बत में तकसीम किया गया है एक पॉइंट के ज़रिए, 3:1 में। मान लीजिए इतना हिस्सा कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इसने इस ए बी को 3:1 में तकसीम कर दिया है। तो जो नस्बत है वो उसको m:n में लिखते हैं, 3:1 यानी m बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इस नस्बत में तकसीम किया है तो हमें p के जो मुहद्दिद है ना जिसने उसको तकसीम किया है नस्बत में उसके मुहद्दिद मालूम करना है। तो p के मुहद्दिद मान लीजिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये x, y है जो हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, शुरुआत करेंगे फ़र्ज़ किया कि जो a के मुहद्दिद है ना 4, -3 ये हमारा रहेगा x1, y1 और b के जो मुहद्दिद रहेंगे वो रहेंगे हमारे 8, 5 वो है x2, y2। अब जब भी ऐसी नस्बत वाली बात आती है तो इसमें हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है, तो हम हिस्से के ज़ाब्ते से इसको हल करते हैं। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से, तो क्या हिस्से का ज़ाब्ता p के मौजूद अगर हमें मालूम करने हैं तो p के मौजूद x, y, तो हिस्से का ज़ाब्ता कुछ इस तरह से बनता है mx2+nx1/m+n (my2+ny1/m+n) इस तरह से ये हिस्से का ज़ाब्ता होता है। अब यहाँ पर हमें कीमत रख देनी है और हल करना है, तो p के हमें मौजूद जो है मालूम हो जाएंगे आसानी से। तो चलिए m क्या है 3 है, x2 क्या है 8 है, तो 3 ضرب 8 जमा n क्या है 1 है, x1 क्या है 4 है, तो 1×4 तो ये क्या 3 + 1 नीचे m प्लस n है ना, तो 3 + 1 कॉमा। अब m जो है वो 3 है, y2 क्या है 5 है, तो 3 ضرب 5 जमा n यानी 1, y1 यानी -3, तो 1×-3 अपॉन नीचे 3+1 यानी m+n लिखना है। देखिए क्या आएगा हल करेंगे तो 3×8=24 जमा ये 4×1=4 और ये नीचे 4 आ गया, कॉमा ये 3×5=15 जमा नफी 3×1=3 और ये 4 इस तरह से। तो कितना आ जाएगा ये 24×4=28 और ये हो जाएगा 15 × 3 तो ये 12 12/4 क्या हो जाएगा ये 4×4 4×7=28 यानी 7 आ गए, 4×4 4×3=12 यानी 3 आ गए। तो p के जो मौजूद है हमें मालूम हो जाते कितना ईजीली हिस्से का ज़ाब्ता। कभी कभी आपके टीचर जो है आपको इसको अलग अलग करके भी हल करा सकते हैं, लेकिन हमारा जो किताब में फार्मूला दिया गया है उसकी बुनियाद पर हमने आपको
हल करना सिखाया है। तो उम्मीद है सवाल नंबर 17 जो कि बहुत ही छोटा इसका सोल्यूशन है, इससे आपका इस्तेमाल हुआ इसमें और आपको समझ में आ गया, बस प्लस माइनस है आपको ध्यान में रखना है और तकसीम करना, आंसर लाना है। बहुत ही ईजी यहाँ पर सवाल नंबर 17 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस हिस्से में हमने सवाल नंबर 13 से सवाल नंबर 17 तक का सोल्यूशन देखा और उम्मीद है हमने जिस तरह से पूरी पूरी तरीके से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के आसान सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको 8वीं 9वीं 10वीं का जो पूरा निसाब है इल्म रियाजी का सीखने को मिलता है और यहाँ की प्लेलिस्ट जो है इस चैनल की आप देखते रहिए और यहाँ पर आपको हर सबक के लिहाज से जो है वीडियोज़ मैसर होते हैं। तो ऐसे मजीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इसके लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में, जिसमें ये जो मजमू सवाल नंबर 5 है वो एंड हो जाएगी, जिसमें बचे हुए सवाल हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।